पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने दादरी के गांव रावलधी में पूर्व मंत्री स्व सुरेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया और हाफ मैराथन दौड़ को झंडे दिखाकर रवाना किया। उनके साथ पूर्व सांसद व कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी भी साथ थीं। संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि इलाके में विकास लाने के लिए क्षेत्र की जनता का साथ जरूरी है। जनता ने साथ दिया तो श्रुति संसद और मैं विधानसभा में जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगी। किरण चौधरी ने कहा कि वे जनसेवा के लिए राजनीति में आए हैं। उन्होंने स्वर्गीय बंशीलाल व सुरेंद्र सिंह के अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है। उनके समक्ष अनेकों परेशानियां भी सामने आई, कुछ लोगों को मंजूर नहीं था, लेकिन वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि वे किसी को लारा लप्पी जैसे सपने नहीं दिखाते बल्कि धरातल पर जनसेवा कर आगे बढ़ते रहे हैं। किरण ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता ही कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में आते हैं, कुछ कांग्रेसी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और इसका जनता सही समय पर जवाब भी देगी। मैं इसमें क्या कहूँ, ये तो आप जनता से पूछिए। तो चौधरी बंसीलाल जी का तो पूरा हरियाणा है, लेकिन ये उनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि है, तो यहाँ का तो बच्चा बच्चा, एक बुजुर्ग, एक महिला जो है उसके दिमाग जहन के अंदर जो है चौधरी बंसीलाल जी रमे हुए हैं। और सब जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता थे, लोह पुरुष थे, एक इस तरह के शासक थे जो बहुत दूरदर्शी थे और जिन्होंने आज हरियाणा जहाँ भी है, ये जो है इन्होंने तो जो आने वाली लोगों ने खराब करा वो बात और है, लेकिन हरियाणा को पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका नाम जो है सबसे आगे अव्वल दर्जे के ऊपर चौधरी बंसीलाल जी की देन। तो सुरेंद्र सिंह का जन्मदिवस के मौके पर आपने पूरा दक्षिण हरियाणा में कार्यक्रम किए, कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में श्रुति चौधरी को एमपी बनाने के, उसमें ये हमारे लोगों का प्यार है, उनका इतना जबरदस्त तरीके से जहन के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के प्रति जो है मान सम्मान और प्यार है कि आज उनको 20 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट मार्च के अंदर चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के जो है जहन के अंदर उनका जो है अभी भी यादें इतनी ताज़ी हैं। और आप जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो है लोगों के बीच में रहने वाले थे और जो है इसी धरती, वो कहते हैं ना धरती पुत्र इधरी के थे, और हर एक कार्यकर्ता जो है घर घर के अंदर जो है उनको मालूम था कि कौन कहाँ है, क्या है, यहाँ तक कि किसके घर में क्या 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 पक रहा है, क्या किसके घर में क्या कुछ है, ये सारा चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जानते थे क्योंकि उनके बीच में रहने वालों में से कांग्रेस में भी कुछ पक रहा है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर बीजेपी को लगाने की योजना पूरी तरह से पक चुकी है। क्या किरण चौधरी आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा देखो जी, ये जनता के ऊपर है और किस्मत, वो कहते हैं सुरेंद्र जी कहा करते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए। किरण ने स्पष्ट किया कि श्रुति चौधरी ही कांग्रेस की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है, क्योंकि स्वर्गीय बंशीलाल और स्वर्गीय सुरेंद्र का दक्षिण हरियाणा गढ़ रहा है, इसी गढ़ से वो फिर सांसद बनेंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में भाजपा जजपा का सफाया करने को खिचड़ी लेकर पक रही है। किरण चौधरी ने कहा कि जनता का सहयोग रहा और किस्मत ने साथ दिया तो कुछ भी संभव है। पूरे हरियाणा की जनता आज भी बंशीलाल द्वारा किए कार्यों को व कार्यकाल को याद करती है। खैर, जनता किसका साथ देगी ये तो समय बता देगा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।